हेलो बच्चों, मेरा नाम मयूर शर्मा है और मैं फिज़िक्स टीचर हूँ। और यहाँ पे ये हमारा चैनल जो है आपके लिए पहला वीडियो लेकर आ रहा है। आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स का पहले चैप्टर से। तो पहला चैप्टर यानी कि हमारी पहली यूनिट जो है, यूनिट नंबर वन, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जैसे कि बच्चे नाम जो आप देख पा रहे हो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब यानी कि ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक वर्ड जो होता है इसको बोलते हैं हम रेस्ट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब रुका हुआ होता है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, देन दिस स्टडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है जिसमें हम रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। अब बच्चों, इसके हमारे डेली एग्जाम्पल जो होते हैं हमारी लाइफ में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जब आप छोटे थे तो आप छोटी क्लासेस में एक गेम खेला करते थे। गेम कह लीजिए, क्योंकि कभी कभी फ्री पीरियड होता है तो हम बच्चे कुछ करते रहते हैं, तो आपके लिए वो एक गेम ही होगा या एक थोड़ा सा टाइम पास होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसमें फिज़िक्स अप्लाई होती है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वहाँ काम करता है। तो आप जब छोटे थे तो आपने क्या किया, आपने एक प्लास्टिक का स्केल लिया होगा, उसको रब किया होगा और छोटे छोटे पेपर पीसेस आपने लिए होंगे, और आपको वो मैजिक जैसा लगा कि वो पेपर जो है उस पर स्टिक हो गया। तो उस समय वो शायद आपके लिए एक फ़न मैजिक या कुछ ऐसा ही कुछ था, गेम टाइप का। लेकिन अगर आप उसमें जाएंगे तो वो हमारे पास में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या है, एग्ज़ाम्पल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्ज़ाम्पल कैसे बच्चे, कि उसमें जब हम प्लास्टिक के स्केल को रब करते हैं तो उस स्केल के ऊपर चार्ज आ जाता है, और जब आप उसे पेपर पर ले जाते हैं तो पेपर उससे अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। एक नॉर्मल सी चीज़ आप देखते हैं, थंडर लाइटनिंग होती है। थंडर लाइटनिंग आपने देखा होगा, बारिश में आसमान में बिजली दिखाई आपको दिखाई देती है, जैसे बोलते हैं ना बिजली कड़क रही है। तो थंडर लाइटनिंग जो है बच्चे हमारे पास में, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्जांपल है। थंडर लाइटनिंग में होता क्या है कि जो क्लाउड्स होते हैं उनके ऊपर अपोजिट चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, और वो चार्ज जो होता है प्लस माइनस कम्बाइंड होता है और एनर्जी रिलीज होती है। किसी भी बॉडी को जब हम पहले चार्ज देते हैं तो हम उसके ऊपर एक एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। तो जैसे आप अपने घर में फ़ैन देखते होंगे तो फ़ैन में एक डिवाइस लगी होती है जिसे बोलते हैं हम कंडेंसर। इसी को हम आगे यूनिट में आगे पढ़ेंगे तो उसका नाम होता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। तो वो चार्ज को जब स्टोर करता है तो चार्ज के स्टोर करने के साथ साथ वो अपने ऊपर एनर्जी को भी स्टोर करता है, और वो जो एनर्जी होती है तो वो हमें आगे जाकर कहीं पे भी यूज़ करनी होती है। जैसे आप अपने मोबाइल के फ़ोन को ऑन करते हैं तो स्क्रीन पे एकदम से पिक्चर नहीं आती है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। टीवी ऑन करते हैं वो भी थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इन चीज़ों में आपके कैपेसिटर्स काम करते हैं। वो कैपेसिटर्स क्या करते हैं, एक इंस्टेंट एनर्जी देते हैं आपके फ़ोन को, टीवी की स्क्रीन को ऑन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखते होंगे, आप आजकल सब बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, तो ज़्यादातर उसमें देखा होगा आपने कि फ्लैश लाइट होती है हमारे पास, वो एक आती है फिर चली जाती है। तो जैसे मैंने आपको थंडर लाइटनिंग बताया था, ये उसी का छोटा फॉर्म है। उसमें कैपेसिटर्स में दो प्लेट होती हैं, प्लस और माइनस। अब मैंने जैसे आपको बताया कि कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो प्लस और माइनस चार्ज उस पर स्टोर होता है, प्लस उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे ही हम उस प्लस माइनस चार्ज को मिलाएंगे तो एनर्जी रिलीज कर जाएगी, एंड इट रिलीजेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, साउंड एंड हीट, ठीक है। अब क्योंकि कैपेसिटर में कम एनर्जी होती है तो उसमें आपको केवल लाइट ही लाइट दिखाई देती है, साउंड और हीट उतना नहीं होता। लेकिन थंडर लाइटनिंग में आप देखेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा हीट साउंड होती है, आप देखते हैं एकदम कितनी तेज़ साउंड आती है, जबकि स्काई में क्लाउड्स बहुत दूर है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर में आते हैं, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास में पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो पहले से हर किसी बॉडी के अंदर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आपसे पूछूं, आप एक कॉमन पर्सन से पूछेंगे कि ये पेन में करंट होगा, चार्ज होगा, तो वो कहेगा नहीं, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन के लिए, कॉमन आदमी के लिए चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रिक शॉक। जब तक हम किसी चीज़ को छुएंगे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, तो उसको लगेगा कि इसमें चार्ज है। नहीं, हम बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हर बॉडी एटम की बनी है, और वो जो एटम्स होते हैं वो किसके बने हैं बच्चे? तो ये एटम्स जो होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो हमारा न्यूट्रल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन जो है वो हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे कि हम सब लोग, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, हमारे जो सेल्स हैं, वुड है, आयरन है, कोई भी चीज़ एटम्स की बनी है, और एटम्स जो हैं उनके अंदर ये पार्टिकल ऑलरेडी मौजूद हैं। तो नेचर ने चार्ज को बनाया है और सभी के पास में चार्ज होता है, यानी कि इवन इस पेन के अंदर चार्ज है, आप पानी पी रहे हैं उस ग्लास में भी, पानी के अंदर भी चार्ज है। तो कुल मिलाकर चार्ज जो है वो नेचुरल एक प्रॉपर्टी है, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की। तो इसको, चार्ज को हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी? इनकी। ये कौन है? हमारे पास में एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी कि अगर हम किसी भी बॉडी को तोड़ते हैं तो उसके छोटे छोटे, जैसे हमारी बॉडी का एलिमेंट्री पार्टिकल कौन है? सेल। ऐसे ही उसके अंदर फिर हम जाएंगे तो एटम होगा, फिर एटम को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दे आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इनकी प्रॉपर्टी को हम चार्ज बोलते हैं, और इसकी वजह से वो एक दूसरे पे क्या लगा सकते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सिंपल सी चीज़ अगर हम समझें कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, फंडामेंटल पार्टिकल्स की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को एक नोटेशन देते हैं, तो यानी चार्ज कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्यू से डिनोट किया जाता है। तो ज़्यादातर बुक्स में आप जब देखेंगे, न्यूमेरिकल्स में, फॉर्मूले में, तो चार्ज को क्यू से डिनोट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं। इसमें से इसको स्केलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ये बिना डायरेक्शन के काम करता है, या इसमें हमें डायरेक्शन शो करने की ज़रूरत नहीं होती, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब इसमें हमारे पास में अगर हम देखेंगे तो चार्ज को हम, वैसे तो ये चार्ज का फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे कहाँ पर? सेकेंड यूनिट में। तो चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो ये जो करंट है वो हमारा सेकेंड यूनिट में आएगा, लेकिन हम इसके यूनिट के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, और हम इसका डायमेंशंस निकालना चाहते हैं, तो ये चार्ज का फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे कि अगर हम देखें तो करंट और टाइम, दे आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपको 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई जाती है, जिसमें 7 क्वांटिटीज़ होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और टेम्परेचर। तो उनमें से ये दो हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, करंट और टाइम। तो हम जब इसकी डायमेंशंस लिखते हैं तो क्यू के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, आई के लिए हम ए और टाइम के लिए टी। तो ये इसका डायमेंशनल इक्वेशन कहलाती है ये चार्ज की, या हम कहें कि केवल डायमेंशंस बतानी है तो हम सिंपल ए टी लिख सकते हैं, और उसको लिखने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, उसके बिना ये गलत मानी जाती है।
ब्रैकेट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा इसका SI यूनिट, SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, ये यूनिट हर कंट्री हर बुक में वैलिड होगा, यानी कि ये कॉमन प्लेटफॉर्म पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। ये हमारे पास में हम इसे बोलते हैं कूलाम और कैपिटल सी, ज़रूरत के हिसाब से हम इसे छोटा और बड़ा बना सकते हैं। जैसे हमारे पास में हमने लिखा मिली कूलाम, तो 1 मिली कूलाम, एम स्टैंड फॉर मिली, मिली कूलाम का मतलब होता है 10^-3। ऐसे ही हमारे पास में माइक्रो कूलाम होता है 10^-6 कूलाम, फिर एक नैनो कूलाम 10^-9 कूलाम, और पिको कूलाम ज़्यादातर आपको यही यूज़ करने होंगे, तो ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। अगर हमें बड़ा करना है तो बड़ा बेसिकली हम नहीं यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हमें छोटे की ज़रूरत पड़ती है, और फिर भी अगर हमें बड़ा यूज़ करना है तो किलो हम लगाएंगे तो 10^3 हो जाता है, लेकिन जनरली वो आपको बुक्स में नहीं मिलता, छोटे चार्जेस मिलते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास में चार्ज के बारे में था। अब बात आती है कि चार्ज के टाइप्स कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यानी कि अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ चार्जेस वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, नंबर 1 इज नेगेटिव एंड नंबर 2 इज पॉजिटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ही वॉज द पर्सन, ठीक है, जिन्होंने इसके नाम रखे, ठीक है, लेकिन इन्होंने करा क्या कि इन्होंने गलती से उल्टे नाम रख दिए। अब आप कहेंगे उल्टे नाम कैसे रख दिए, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है टर्म्स बहुत सिंपल टर्म्स थे, तो जब इन्होंने ये नाम लेना शुरू किया तो बाकी लोगों को अच्छा लगा, तो वो पॉपुलर हुआ और चार्जेस के ये नाम नेगेटिव और पॉजिटिव आ गए। लेकिन बाद में ये पता चला कि कोई भी बॉडी जब चार्ज होती है, या चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसके लिए हमारा प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि सारी चीज़ें उन्होंने पॉजिटिव के हिसाब से बना दी फिजिक्स में। अब जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा कि करंट की डायरेक्शन हम प्लस से माइनस दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तो करंट की डायरेक्शन प्लस टू माइनस क्यों दिखानी पड़ रही है, क्योंकि पहले से हमने मान लिया और बाद में पता चला कि प्रोटॉन तो चलता ही नहीं है, प्रोटॉन का तो कोई रोल है ही नहीं, प्रोटॉन तो अपनी जगह पर बैठा हुआ है, चल कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो एक तरीके से इन्होंने उल्टे नाम रख दिए, जानबूझ के नहीं, गलती से, ठीक है। लेकिन अब जो है सारे रूल्स पॉजिटिव के हिसाब से बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में रोल कौन प्ले कर रहा है, तो नेगेटिव। तो आप ये समझ सकते हैं काम नेगेटिव करता है यानी इलेक्ट्रॉन करता है, नाम प्रोटॉन का होता है। तो सारे रूल्स जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं दे आर पॉजिटिव बेस्ड ऑन द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है बच्चे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे रिस्पॉन्सिबल है थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं, चार्ज कैसे आता है बॉडी पे वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर अब हम पढ़ना चाह रहे हैं ओरिजिन ऑफ चार्ज। ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी बॉडी जो होती है, एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट जो मास की बनी है, मटेरियल ऑब्जेक्ट, तो ये जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है ये किससे बनी है, एटम से, और इन एटम्स के अंदर हमारे पास में क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो प्रोटॉन कहाँ पे बंद है, ये न्यूक्लियस के अंदर बंद है, तो इसको निकाल पाना बाहर मुश्किल काम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री स्टेट में होता है, तो इट कैन बी ईजिली रिमूव फ्रॉम द एटम्स। तो हम किसी भी ए बॉडी में से बी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके ऊपर जाता है तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाता है, सॉरी
ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और ये नेगेटिव चार्ज बन जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ए से बी पर गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, तो इसमें प्रोटॉन का तो रोल कहीं आया ही नहीं। पहले भी प्रोटॉन ए के पास जितने थे अभी भी उतने हैं, बी के पास भी कोई चेंज नहीं है, केवल चेंज किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो बेसिकली नेचर ने हर चीज़ को बैलेंस्ड बनाया है, यानी कि हर एटम को बराबर इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हैं। अगर ये बैलेंस हम बिगाड़ देते हैं या चेंज कर देते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमको पता लगता है। तो हमने इलेक्ट्रॉन को दिया बी को, तो इसने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इसने नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो बेसिकली हुआ क्या, इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन का चार्ज इफेक्टिव हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पर उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज इफेक्टिव हो गया, यानी कि वो नेगेटिव बन गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि किसी भी बॉडी का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज करना। तो द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर होके जा रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये हमने सीखा कि भाई चार्ज कैसे आता है, यानी चार्ज ट्रांसफर होता है ना कि बनता है। तो इसके बेस पर हमारे पास में यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, या पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज से पहले बात करते हैं कि बॉडी पे चार्ज कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, तो अब हम इसके बाद में जैसे अभी हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ए बॉडी से बी बॉडी पे गया, तो इसकी वजह से ए पॉजिटिव चार्ज, बी नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी, यानी कि किसी बॉडी पर चार्ज का आना, और इसके लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉन ना कि प्रोटॉन। अब इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इसमें सबसे पहला मेथड जो है वो है हमारे पास, क्या मेथड है भैया, पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम रब करते हैं प्लास्टिक का स्केल, रब करते हैं तो उस पर चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये ए बॉडी थी, ये बी बॉडी थी, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है, और इसके लिए हमने इन दोनों बॉडीज़ को एक दूसरे से क्या करा, रब किया। ए बॉडी को बी बॉडी से जब हम रब करते हैं तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन दे देती है और दूसरी ले लेती है। तो सिंपल चीज़, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो व्हाट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इट इज़ द चार्जिंग ड्यू टू द फ्रिक्शन, यानी जब हम दो बॉडी को रब करते हैं इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ये है कि ए से बी पे जाएगा कि बी से ए पे जाएगा, तो मैंने ये कैसे कहा कि ये ए वाला बी को देगा, तो उसमें हमारे पास में एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन आपने शायद 11th में भी पढ़ा होगा, वर्क फंक्शन आपने 11th में भी पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक चैप्टर होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है ना कि फिजिक्स में, और ये हम आगे ड्यूअल नेचर आएगा हमारा, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, तो उसमें भी हम दोबारा से इसे यूज़ करेंगे। तो इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्क फंक्शन का मतलब होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अंदर बंद है, किसके अंदर, बॉडी के अंदर, तो बॉडी में तो घूम सकता है, जैसे ये उसी तरीके से आपने कमरा बंद करके रखा है और इलेक्ट्रॉन आपको कमरे में घूम सकते हो, कमरे से बाहर नहीं जा सकते, ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन भी अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। अब जब ये बाहर नहीं जाएगा तो उसको निकालना पड़ेगा, तो हम उसके लिए एनर्जी देंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन होती है, ठीक है बच्चे। तो यानी कि इसका मतलब वर्क फंक्शन
कम होगा तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सीधी सी बात है ना कि खर्चा अगर हमारे पास कम है, किसी की कॉस्ट कम है तो उसको खरीदना आसान है। तो लोअर वर्क फंक्शन एक तरीके से हमारा खर्चा है। तो ये हमारे पास में लोअर वर्क फंक्शन था, ये हायर वर्क फंक्शन था। तो जब भी हम दो बॉडी को रब करते हैं तो लोअर वर्क फंक्शन वाला हायर वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन देता है और इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, इस पर पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन का चार्ज इफेक्टिव होता है और इस पर दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। तो ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इसमें क्या है कि इसमें से किसी एक बॉडी पर ऑलरेडी चार्ज होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली चार्ज पहले से होना चाहिए किसी एक बॉडी पर या दोनों बॉडी पर। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जब हम चार्ज देते हैं तो एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो उसकी वजह से उसका एक पोटेंशियल बनता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा नाम बोलते हैं। इससे ही पता लगता है किसी बॉडी पर एनर्जी ज़्यादा है या कम। तो इसके अंदर हम बॉडीज़ को कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं, जैसे हमने एक वायर से हमने इसे कनेक्ट कर दिया या हम इसे डायरेक्टली टच भी कर सकते हैं। तो जब हम इसे टच करेंगे तो ये ए बॉडी, जैसे मान के चलिए ये लोअर पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल कम है और इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हायर पोटेंशियल तक ये जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसका एग्जांपल जैसे हम लें, जैसे मैंने ये लिया है -4 वोल्ट और इसको मैंने ले लिया है मान लीजिए -1 वोल्ट। अब आप कहेंगे कि दोनों ही नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव नेगेटिव के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें छोटा बड़ा देखना है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, विद साइन कंपेयर करते हैं। तो नेगेटिव में -4 छोटा माना जाता है और -1 बड़ा माना जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे मान लो इसका उल्टा कर देता, अगर मैं इसे प्लस कर देता तो ये लोअर होता, ये हायर होता, इलेक्ट्रॉन वहाँ से यहाँ आता। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो लोअर पोटेंशियल होता है वो हायर पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, उसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा या माइनस चार्ज बढ़ेगा। इसको बोलते हैं हम चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मली इंसुलेटर्स में होता है। इंसुलेटर्स जैसे आपके प्लास्टिक, ग्लास और इस तरीके से, और ये जो होता है वो आपके कंडक्टर्स में ज़्यादातर होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एक मेथड और पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट मेथड है वो है चार्जिंग बाय ये पहला फ्रिक्शन, दूसरा कंडक्शन, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, देखो इसमें और इन दोनों में और इसमें क्या फर्क है। इसमें बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में आती है, यानी कि यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, मतलब यानी दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बिना कांटेक्ट के काम करते हैं। इसमें होगा क्या कि जैसे हम एक, ये भी मेनली इसके लिए बनाए, मेटल्स के लिए बनाए। तो इसमें जैसे हमने ये मेटल लिया, अब ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम है। अब जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास हमने एक प्लस चार्ज की बॉडीज को रख दी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज ने इसको एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी होगी। ये उसी तरीके से है कि जैसे आप एक कमरे में सामान को, पहले में पूरे में बिखरा हुआ था, आपने उस सामान को इकट्ठा करके एक तरफ कर दिया, तो ये जगह भर गई और ये जगह खाली हो गई। तो जब ये भर गई और खाली हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, काम सामान तो कमरे में ही है ना, आपने निकाला तो नहीं ना उसे, केवल आपने उसको शिफ्ट कर दिया। तो इसके इन्फ्लुएंस से बिना टच किए हुए जब पॉजिटिव चार्ज हम लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, और एक तरफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है
और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, ठीक है। ये टेम्परेरी प्रोसेस है। एक और यहाँ पर पहला मैंने आपको क्या बताया था कि फिजिकल कॉन्टैक्ट यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता। दूसरा, ये एक परमानेंट प्रोसेस है और यहाँ पर ये प्रोसेस कैसा होगा, टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब जैसे ही मैं प्लस चार्ज हटाऊंगा ये नेगेटिव चार्ज वापस चला जाएगा, बॉडी फिर न्यूट्रल हो जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर आएगा तो माइनस क्यू, और यहाँ पर ये प्लस क्यू, यानी हम जितना चार्ज लाते हैं उतना ही चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। आप जितना मर्जी चार्ज ले आओ, 15-15 कूलाम ले आओ, 20 ले आओ, 100 ले आओ, तो उतना ही चार्ज यहाँ आएगा, उतना ही चार्ज यहाँ आएगा। ये इंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अभी तक जो हमने पढ़ा ये देखा कि भाई चार्ज क्या होता है, इसके क्या मेथड्स हैं, ठीक है, चार्जिंग करने के, चार्ज किस तरीके से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर आती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आपको ये वीडियो दूसरे लोगों को शेयर करनी है और अगली वीडियो देखनी है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, और जल्दी ही हमारी अगली वीडियो जो आएगी इसके आगे हम जो टॉपिक हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज से शुरू करेंगे, ठीक है।